बहुत ओवर कॉन्फिडेंट यार, बहुत ओवर ही नॉच कॉन्फिडेंट। ओवर मतलब क्या था ये, लिटरली क्या था ये। अब हालांकि यार रोहित शर्मा ने बहुत कोशिश की कि जीजी को हरा ना दे, डुबा, हाँ जीजी जीजी का को नाम डुबा डुबा दे दे भाई। यार। मैं ये कह रहा हूँ ना कि अगर हम ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हारते तो मैं एक बार डाइजेस्ट भी कर लेता ये चीज, पर श्रीलंका के खिलाफ हार रहे हैं, वो भी ओडीआई, वो फ्यूचर है, वो वाइस कप्तान, उसको एज ए कैप्टन देख रहे हैं। ये परफॉर्मेंस है कैप्टन की। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो यार, क्या कर रहे हो। तो यार आप सभी का स्वागत है यार एक और बकैती भरी वीडियो में। बट इस वीडियो में यार बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जीजी का एज अ कोच एक पैथेटिक एरा क्या स्टार्ट होने वाला है। क्या मतलब आपको क्या लग रहा है कि इसके बाद से वो जिता नहीं पाएंगे क्या सीरीज? आप अब क्या कहते हैं? 2025 में है ओडीआई की सीरीज हमारी। तो इस अब साल तो भाई अब वो जिता नहीं पाएंगे, इस अब उनके भूतर रह नहीं गया इस साल जिताने का। इस साल का कोई ओडीआई सीरीज नहीं जिता सकते इंडिया को, ये फैक्ट्स है। वो सिर्फ बना सकते हैं शुभमन गिल को प्रिंस। हाँ, शुभमन गिल को क्या, वो अब नए नए और केएल राहुल को भी कुछ बना सकते हैं, और श्रेयस अय्यर को भी, सबको, कोहली भी उनकी छत्र छाया में बहुत ही शानदार परफॉर्म करने लग गए। जो उनका फॉर्म चला गया था कहीं पे, वो वापस आ चुका है विराट कोहली का फॉर्म। यार मतलब विराट कोहली ने जो परफॉर्म किया है, हमारी टीम को जिताया है एज अ सीनियर प्लेयर, माशाल्लाह माशाल्लाह। हालांकि रोहित शर्मा ने बहुत कोशिश की कि जीजी हरा दे, हाँ जीजी का नाम डुबा दे यार। भाई रोहित शर्मा ने पूरी कोशिश की कि मेरे, मैं हूँ थाला का फैन, कुछ भी हो जाए मैं जीजी को ये मैं जीजी का वो रुतबा नहीं बढ़ने दूंगा, मैं चौड़ नहीं बढ़ने दूंगा। रोहित शर्मा ने पूरी ट्राई की अपनी तरफ से, बट बाकी प्लेयरों ने कहा कि नहीं गौतम भाई, हम बैठे हैं आपके लिए यार, हम आपके लिए बैठे हैं यार, हम आपका नाम ऊंचा करके रहेंगे, रहेंगे तो बिल्कुल रहेंगे। और उन्होंने करके दिखाया यार। यार अब तो सरकाजम को एक तरफ रख दो और अब मुद्दे पे आ जाते हैं, जो कि मेरा गर्म है खून, तो मैं गर्मा गर्म परोसना चाहता हूँ। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। व्हाट अ पैथेटिक सीरीज भाई, व्हाट अ पैथेटिक सीरीज। पहला मैच भी हम हार गए थे, क्लीन स्वीप हो जाते हम भाई, और हमारी ये जसप्रीत बुमराह और हार्दिक पांडे छोड़ के फुल स्ट्रेंथ टीम थी। आज के मैच में तो 9 बल्लेबाज थे यार, लास्ट में बैट्समैन थे कुलदीप यादव और सिराज। तो हमारी भाई बैटिंग आज बहुत लंबी थी, और कितने पे आउट हुए हम आज यार? 138 ही बना। सिराज श्रीलंका के सामने 7-8 विकेट ले जाता था, आज उसको पावर प्ले में एक विकेट नहीं मिली श्रीलंका के खिलाफ। पहली बार सिराज के करियर में हुआ है आज ऐसा। मेरे को इस सीरीज में समझ नहीं आया हमारे बैट्समैन का क्या मेंटेलिटी है। रोहित शर्मा जब बैटिंग कर रहा है तो लग रहा है वो अलग पिच पे खेल रहा है, फिर हमारे भाई आड़ा टेढ़ा शॉट खेल के आउट हो जाएंगे हर बार कि अब बोर हो रहा हूँ अब। फिर उसके बाद बाकी के बैट्समैन तो हगेंगे ही। शुभमन गिल भाई तुम क्या कर रहे हो? एक एक करके प्लेयर्स पे आता हूँ, पहले तो शुभमन गिल को उठा लो भाई, बाकी प्लेयर को छोड़ दो। सबसे ज्यादा किसके उम्मीद है, सबसे ज्यादा किसको प्रूव करना है? शुभमन गिल को। और क्या कर रहे हैं भाई साहब, अपनी अंदर डाल ले सोशल मीडिया, और इस बन लो तुम वहां पे आकर के। दिमाग में इतना गुस्सा आती है भाई, क्या कितने 35 गेंद खेल करके 6 रन बना रहा है, 19 गेंद खेल करके 6 रन बना रहा है। नहीं मुझे शुभमन गिल का एक समझ नहीं आ रहा है कि भाई जब तुम पिछला मैच भी ले लो, दूसरा ओडीआई भी ले लो, आज का भी मैच ले लो, तुम सेट हो गए हो, दूसरी साइड से रोहित शर्मा मार रहा है। नहीं ये तुम छोड़ दो, सब स्पिनर पे आउट हो रहे हैं भाई साहब हमारे फास्ट। मैं वही तो बोलने वाला हूं, पटरा पिच में फास्ट, मैं वही तो उसी चीज पे आ रहा हूं कि जब रोहित शर्मा उधर से मार रहा है तो तुम और फास्ट बॉलर को स्टेप आउट करके आउट हो रहे हैं भाई। हर मैच में ना मतलब की 20-25 ओवर के बाद टर्न आना स्टार्ट हुई है, और 20-25 ओवर के बाद टर्न आना स्टार्ट हुई है, इसका मतलब दिखता है कि शुभमन गिल टर्न तो छोड़ दो, सिंपल गेंदबाजी नहीं खेल पा रहे, इतना पैथेटिक खेल रहे हैं। और हमारे बैट्समैन इंडिया के यार, ओपनर और वाइस कप्तान किसने बनाया साले को? हमारे यार बैट्समैन कब से स्पिन नहीं खेल पा रहे हैं, ये तो भाई बहुत पैथेटिक चीज है। हमारी तो चौड़ होती थी स्पिन खेलना यार, कि हमारे बैट्समैन तो स्पिन तो यूं इधर रखते हैं, स्पिन को इधर
पेसर्स भी आउट हो जाते थे, अब इनका यही हो गया कि फट्टी विकटे दे दो और T20 खिलाओ और T20 खिलाते जाओ यार। और जितना मर्जी राहुल और श्रेयस अय्यर, तुमको मौका मिला है यहाँ पे आकर के प्रूव करना, तुम वही पे वही कर दिया तुमने जो हमेशा से करते आ रहे हो, खेलेंगे नहीं हमसे तो खेला ही नहीं जाता है। बहुत ओवर कॉन्फिडेंट यार, बहुत ओवर ही नॉच कॉन्फिडेंट, ओवर मतलब क्या था ये, लिटरली क्या था ये। अरे मुझे क्या पता, मुझसे पूछे जा रही है बार बार। हमारे भाई स्पिन क्यों नहीं खेल पा रहे, हमारे बॉलर्स कह रहे हैं कि 20-25 ओवर के बाद स्पिन आ रही है विकेट में, और श्रीलंका के बॉलर तीसरे ओवर से स्पिन लग जा रहे हैं अग्रणी पिचेस पे, ऐसा लग रहा है। यार देखो विराट कोहली ने सही नहीं खेला, पर उस पर डंडा नहीं दिया जाएगा, बात को समझो, डंडा तुम लोग के ही अंदर दिया जाएगा, क्योंकि भाई उसने प्रूव कर दिया जहाँ प्रूव करना था, प्रूव करने की बारी है प्रिंस की है। विराट कोहली नथिंग टू प्रूव यार भाई, उस वो भाई ठीक है उसने बुरा खेला, मैं एक्सेप्ट करता हूँ और मानता भी हूँ कि उसने अच्छा नहीं खेला, पर भाई उसने भाई ये 19 गेंदों में 6 रन बना के नहीं आउट हुआ है सेट होने के बाद। पर हमारे शुभमन गिल को देख लो, टेक देता हूँ जरा, नहीं भाई आगे लगा देता हूँ नहीं, अरे यार भाई उसको ध्यान भी शरीर का भी ध्यान दे, सुन लो इनका कि हम तो भाई वर्ल्ड कप जीत के, अबे तुम साले वर्ल्ड कप टीम में भी नहीं थे, वर्ल्ड कप जीत के आ रहे हैं और हम बहुत तगड़ा खेलेंगे यार। बस शुभमन गिल रियली डिसअपॉइंटिंग ब्रो, रियली डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस। तुम जिम्बाब्वे गए थे वहां पे भी डिसअपॉइंटमेंट तुमने फैलाया था, T20 में भी हगा है तुमने आकर श्रीलंका के खिलाफ, क्योंकि भाई तुमको प्रूव करना है 30-40 रन क्या होते हैं भाई, 50 एक भी लगा है तुम्हारा जिम्बाब्वे छोड़ के। यार भाई तुम ये देखो कि तुम्हारे चक्कर में कितने प्लेयर बाहर बैठे हैं, ये हमारा यशस्वी जायसवाल है, गायकवाड है, मैं लिख के दे रहा हूँ, जायसवाल होता ना तो इससे लाख गुना अच्छी नहीं खेलता, रोहित और जायसवाल की जो पार्टनरशिप लगती है ना, राइट लेफ्ट होता कॉम्बो, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं यार, जिस तरीके से बैटिंग करते हैं। यार गायकवाड अच्छा खेल लेता है, गायकवाड भी इससे लाख गुना अच्छा खेलता है यार, अभिषेक शर्मा को ट्राई करो भाई, अब युवराज सिंह का पापा भी इससे अच्छा खेल ले। नहीं भाई हम नहीं जाएंगे अपन लोग, ठीक है भाई, गुस्सा गुस्सा थूको, जो है वो है, किसी ने कुछ नहीं उखाड़ा है, सबने जो बहुत ही टोकूड़ी का खेला है, सीधी बात भाई, रोहित शर्मा को हटा के, अक्षर पटेल को हटा के, आज अक्षर पटेल नहीं चले अलग बात है, बट दो मैच में बहुत अच्छा खेला अक्षर पटेल ने, अक्षर पटेल की वजह 200 तो क्रॉस कर लेते थे, आज अक्षर नहीं चले तो 138 पे ढेर हो गए, तो ये 2-3 प्लेयर हैं जो भाई खेले हैं, बाकी बहुत ही मुझे लगता है ट्रिप मनाने गए थे श्रीलंका या घूमने गए। विराट कोहली का तो मुझे लगा कि उसका मन नहीं था, कह दिया यार जीजी भैया आपने फर्जी बुला लिया यार, हम तो खेलने भी ना, हम श्रीलंका के खिलाफ खेलेंगे सीरीज यार, क्या बात कर रहे हो, हम श्रीलंका को हराएंगे, उसका तो मूड ऐसे ही लग रहा है। पर मैं ये कह रहा हूँ ना कि अगर हम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हारते तो मैं एक बार डाइजेस्ट भी कर लेता ये चीज, पर श्रीलंका के खिलाफ हार रहे हैं वो भी ओडीआई, मैं बताऊँ ना श्रीलंका ने वाकई में अच्छा खेला, हमारे प्लेयरों ने गंदा खेला, नहीं नहीं श्रीलंका ने अच्छा खेला है, उन्होंने कॉम्पिटिटिव चीजें दिखाई है वहां पे आके ग्राउंड में, ऐसे ही नहीं कि विकटे दे दे रहे हैं, हमारे भाई रन बना रहे विकटे दे दे रहे हैं, रन बना रहे विकटे दे दे रहे हैं, वो तो है ही भाई, अब श्रीलंका ने तो खेला ही अच्छा, उन्हें तो पिचेस का आइडिया था, और वो शायद पिछले स्पिनर्स भी अच्छा है, 2021 में वो और इंडिया से वो सीरीज नहीं जीते थे ओडिया काफी टाइम से, ऐसा कुछ था पता नहीं, अब वो भी रिकॉर्ड तोड़ दिया आज हमारे जीजी के धुरंधरों ने यार। ठीक है भाई, श्रीलंका के फैंस को मुबारक हो यार, ये तो मैं उनको मुबारक, और हमने मैंने एक्चुअली एक वीडियो में हमने कहा था कि श्रीलंका के लिए एक मैच जीतना बहुत जरूरी है ताकि वो उनका क्रिकेट बूस्ट हो, साल उन्हें 2 जीत लिए, तीसरा भी जीत जाते हैं, और उनके हेड कोच की जो खुशी थी जय सूर्या, T20 सीरीज में भाई बिल्कुल उदास, और ODI सीरीज में भाई बिल्कुल चौड़ में, जीजी भाई तो देखना पड़ेगा अब तो, जीजी भाई देखो अब 2025 फरवरी में जाके 2025 ODI 2025 में जाके है, बट भाई आपको देखना पड़ेगा, के साथ ODI 3 है, T20 है 5, मतलब मेरे को एक तो समझ नहीं आता है, अब हमें चैंपियन ट्रॉफी जब हमारी आ रही है तो हम क्यों T20 को और बढ़ावा दे रहे हैं, वो बात अलग है कि तुम्हारा चैंपियंस ट्रॉफी खेलने का मन नहीं है तो बात, हाँ अगर नहीं खेलने तो मैं और चैंपियन ट्रॉफी आई थिंक श्रीलंका में होने वाली है, क्योंकि पाकिस्तान में तो दुबई में भी दुबई में हो सकती है, बट श्रीलंका में ना हो तो अच्छी बात है, बारिश ही होती रहती, ODI करवाओ यार, अब क्या कर रहे हो यार, पर मुझे लगता है 2025 में के बाद ODI सीरीज ज्यादा होने लग जाएंगी अब इंडिया की, क्योंकि रोहित और कोहली ODI खेलते हैं और TRP भी चाहिए यार, और वो तो चाहिए, और देखो हमने लिख के दे दिया और ODI सीरीज 2025 में बहुत ज्यादा होने वाली है, तो ठीक है यार कमेंट सेक्शन में बताओ यार, लाइक करो शेयर करो सब्सक्राइब करो यार, क्या कर रहे हो, 2000 सब्सक्राइबर नहीं हो पा रहे हमारे।
करो यार टॉक्सिक चाहते हो, अगर मैं टॉक्सिक निकल के आया मेरा तो बता दो मुझे। टॉक्सिक नहीं हम भाई, हमारा हम भाई कभी भी किसी को नेगेटिव क्रिटिसिज्म कभी करते नहीं है, पॉजिटिव क्रिटिसिज्म है, इसको उसी तरीके से लो। अगर अभी भी तुम अपने प्लेयरों को जिन्होंने दो कौड़ी का कब से कुछ नहीं उखाड़ रहे अभी भी सपोर्ट कर रहे हो और उनके खिलाफ कुछ ना बोलो, वी सपोर्ट शुभमन गिल को सपोर्ट कर रहा है कमेंट सेक्शन में लिखे, फिर मैं अगली वीडियो बनाऊंगा बताता हूं। वी आर नॉट विद विनिंग टीम इंडिया, वी आर विद टीम इंडिया भाई, ऑब्वियसली हम नहीं है क्या? जो चैनल पे आके कहता है ना कि साला टकला हमेशा शुभमन गिल को छोड़ता ही नहीं है, दो तीन लोगों ने कहा है इसको, तो बताओ आके कमेंट करो कि शुभमन गिल ने क्या तुम्हारे घर में आके खेल गया है क्या, वो क्या किया है ऐसा उसने, बताओ पैसा दिया है तुमको है? बोलेंगे नहीं, वो फ्यूचर है, वो वाइस कप्तान, उसको एज अ कैप्टन देख रहे हैं, ये परफॉर्मेंस है कैप्टन की भाई, छपरी बाहर परफॉर्मेंस होनी चाहिए, ऐसे ही नहीं दे देंगे। कोहली ने इतना उखाड़ा तब जाके कप्तान बना, रोहित ने सब 5 आईपीएल ट्रॉफी जितवा के आया, इतनी परफॉर्म तब उसको कैप्टनशिप दी, तुमको एवे ही दे दी है वाइस कप्तानी, फ्यूचर हो तुम, सिर्फ तुम्हारी पीआर टीम की वजह से जो सच है। आईपीएल खेल लेना, बेगा ऑप्शन आ रहा है, वो भी नहीं खेल पा रहे हो दो सीजन से, देखी थी तुम्हारी बहुत शानदार कप्तानी थी नेहरा जी। चलिए ठीक है, इसी नोट पे एंड करते, और नेहरा से याद आया मुझे, मैं एंड करने वाला था, ये नेहरा को कमेंटेटरी से हटाओ, जब भी शुभमन गिल हगता है तो ये बस आउट तो होते ही है, आउट तो होते अबे साले, मास्टर ब्लास्टर भी आउट होते थे अबे भाई। मैं चलो ठीक है, ज्यादा नहीं बोलूंगा, बोल तो दिया मतलब बक्का, इस नोट पे एंड कर रहा हूँ, अपना ध्यान रखिए, सब्सक्राइब करो यार सराफत से, सब्सक्राइब कर दो ठीक है, और अपना ध्यान रखो।